पर जहाँ पुनर्जन्म के केसेस देखते हैं, हम देखते हैं किसी ने, बच्चे ने अपने पिछले जन्म का सब बता दिया, अपने पेरेंट्स के नाम बता दिए, अपने भाई बहनों के नाम बता दिए, उनसे मिलने चला गया, उस चीज़ को ये थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करते हैं? आपका जन्म दूसरा जन्म हो जाएगा, तीसरा जन्म हो जाएगा, ऐसा होता नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जो है आज है। स्पिरिचुअलिटी जो वर्ड है जिसको हम आध्यात्म कहते हैं, क्या केवल सनातन से रिलेटेड है या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म या और बाकी धर्मों में भी स्पिरिचुअलिटी है? स्पिरिचुअलिटी इन सबसे ऊपर है? स्पिरिचुअलिटी कम्प्लीटली सनातन है। अगर कोई भी धर्म ये बात बोले कि मैं आपसे बड़ा हूँ या मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बड़ा है, तो ऑब्वियसली उसको कुछ पता ही नहीं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। जनरली हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं ना, इन पे भूत आ गए, प्रेत आ गए, अजीब आवाज़ में बात करने लग गए, लोग उनको मंदिर ले जाते हैं या दरगाहों पर ले जाते हैं भूत उतरवाने के लिए। कुछ कुछ राजस्थान में कुछ मंदिर है जहाँ पर ले आया जाता है लोगों को, लाइन लगी होती है ऐसे लोगों की, वो क्या है? इनके अंदर कुछ ये आ जाता है, गुस्सा इकट्ठा हो जाता है या कुछ फियर हो जाता है, और वो हमेशा फैमिली से आएगी। फैमिली में कुछ ना कुछ चल रहा है या किस कंपैरिजन में आ जाएगा, किसी के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके कारण हो रहा है कि ये मेरी जो दोस्त है वो बहुत बड़ी बन गई, मैं कुछ नहीं कर पाई, तो वो जो रिग्रेट्स और वो जो गुस्सा आता है उसका एक्सप्रेशन ये सब होता है। मेरा ये सोचना है कि 30 से पहले तो ना प्यार भी हो जाना चाहिए और शादी भी हो जानी चाहिए, कि अगर आप उस समय शादी करते हो एंड कंसीव करते हो तो आपका बेबी हेल्दी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दैट मीन्स आप अपनी आने वाली जनरेशन को एक हेल्दी जनरेशन दे रहे हो। आप भगवान विश्वास रखते हो? मैं पहले रखता था, अब नहीं रखता। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मैं जान गया हूँ। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सब? क्या आप स्पिरिचुअल हैं और क्या स्पिरिचुअलिटी कंसेप्ट जो है वो सच में एग्जिस्ट करता है? क्या स्पिरिचुअलिटी आपकी डिजीज़ को हील कर सकती है? आज मैंने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है हितेश चक्रवर्ती जी को, जिन्होंने बुक लिखी है डिकोडिंग द मिस्ट्री बिहाइंड 3, 6 एंड 9। नाम से समझ में आता है ये कुछ 3, 6 और 9 की मिस्ट्री है जिसको हम डिकोड करेंगे, एंड दिस इज़ मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो आइए बात करते हैं हितेश जी से और जानते हैं कि आखिर है क्या ये 3, 6 और 9 का कंसेप्ट। अगर आप भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं और आप भी डिकोड करना चाहते हैं 3, 6 और 9 के कंसेप्ट को, तो शो को एंड तक देखना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फटाफट लाइक बटन दबाना। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस ज़रूर भेजना ताकि हम हितेश जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन क्वेश्चंस का वो जवाब दें, आपकी स्पिरिचुअलिटी के क्वेश्चंस का जवाब दें और आपको शायद और हीलिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चल सके। तो बने रहिए पूरे शो में, आइए हम बात करते हैं हितेश जी के साथ। हितेश जी, वेलकम टू आवर शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। थैंक यू हिमांशु जी। यहाँ हम बात करते हैं बुक्स की और बुक्स में छुपी हुई थ्योरीज़ की, और आपकी जो बुक है डिकोडिंग द मिस्ट्री बिहाइंड 3, 6, 9, ये तो अपने आप में पूरी थ्योरी है। तो पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा आपसे, ये क्या चीज़ है 3, 6, 9, व्हाट इट इज़? बेसिकली इनिशियली जब मैं स्पिरिचुअलिटी पे रिसर्च कर रहा था तो उस वक्त मेरा ऐसा कोई मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इस कॉन्सेप्ट को भी के ऊपर भी मैं काम करूँगा। बट ऑब्वियसली मैंने जब निकोला टेस्ला को सुना था तो उनकी एक स्टेटमेंट थी कि जब आप 3, 6, 9 की मिस्ट्री समझते हो तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो मैं उसी को मानते हुए मैंने सोचा कि एक बार ये भी समझते हैं कि है क्या। पहले मुझे लगा एस्ट्रोलॉजी या ऐसा कुछ होगा इसका, बट ऐसा कुछ वो सब मिथ था, वो उसमें ये नहीं था। अल्टीमेटली इसका जब मैं इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो फिर लास्टली इसका डेफिनेशन यही आया कि हम लोग जो जी रहे हैं, हम लोग अनकॉन्शियस लाइफ जीते हैं। सो हमारे जो लाइफ है, हमारे जो चॉइसेस हैं, वो सब कॉन्शियस, मतलब हमें लगता है कि हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, बट कॉन्शियसली वो होता नहीं है। वो कुछ ना कुछ, जिसको डेस्टिनी का खेल कह लो कि डेस्टिनी की कहीं ना कहीं पे लिखी होती है और उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ चलती रहती है। जैसे कब किसी की मौत होगी, कब किसके ज़िंदगी की शादी होगी। सो जो लाइफ है हमें लगता है कि हम कॉन्शियसली जीते हैं। जैसे हमें कुछ भी, चाहे आप कोई करियर चॉइस करते हो या कोई सिटी, डिफरेंट सिटी में सोचते हो कि वहाँ जा करके रहें, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, या कोई किसी की क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन हो जाता है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सब अनकॉन्शियसली कोई ना कोई चीज़ के कारण होती है। ठीक है, हमें लगता है कि हम कॉन्शियस लाइफ जीते, बट ऐसा होता नहीं है। तो 3, 6, 9 की ये पूरी मिस्ट्री और ये पूरी बुक उसी थ्योरी पर, मतलब मेरी वो जर्नी पर है, मेरी पूरी रिसर्च पर है कि ये कैसे, कि किस तरह से लाइफ अनकॉन्शियस है और कैसे हम उस अनकॉन्शियस लाइफ से बाहर आ सकते हैं। मतलब मुझे बड़ा कन्फ्यूजन है। एक तरह से स्पिरिचुअलिटी में ये कहा जाता है कि हमारी लाइफ अनकॉन्शियस है, 3, 6, 9 की थ्योरी कह रही है, करेक्ट। वहीं कुछ थ्योरी कहती है नहीं, हमारी लाइफ तो कॉन्शियस में है पर हम एज ए ह्यूमंस अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते हैं। हाँ, अच्छा नहीं, इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर हम कॉन्शियसली लाइफ जीते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि जो भी हम चाहते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं हो पाता, वो बदलता क्यों है?
है ना, ऐसा क्यों होता है कि मैं आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, आपको आपने बोला कि नहीं ये मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है, और फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो पार्टनर आपका परफेक्ट नहीं है, राइट? तो आप तो आप कह रहे हैं कि आप कॉन्शियसली जी रहे हो, बट कॉन्शियसली नहीं होता है, ये सब कुछ अनकॉन्शियस है. तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड डेस्टिनी? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि जो हम चाहते वो नहीं होता, या हमें नहीं पता होता क्या क्या होना है, वो तो डेस्टिनी है. इसको हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कर्म, हमारे कर्म कैसे उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है. पर व्हाट इट इज दैट इट्स रिलेट्स विद द कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस तो मतलब ये हुआ ना कि हम अपने टाइम में अवेलेबल हैं कि नहीं. ओके, अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ. अगर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में 10 लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे या रिएक्ट करेंगे, राइट? तो माइंड तो सबका एक ही है, फिर ये 10 लोग किस तरह से क्यों डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं. अब आते हैं इसकी जो जर्नी होती है किसी भी इंसान की, वो होती है उसके वोम से, ठीक है, मदर के वोम से. जब आप मदर के वोम में रहते हो उसी वक्त आपकी पूरी माइंड की शुरू हो जाती है बनना कि आखिर क्या हो रहा है. अब मदर के वोम में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी प्रॉब्लम उस वक्त वो जो भी सोच रही होगी, जो भी प्रॉब्लम में होंगी या खुश होगी, उसके उसका सारा असर बच्चे पर पड़ता है. और बच्चा जब आ जाता है दुनिया में, उसके बाद जो पहले 5-6 साल का एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग उसका कॉन्शियस माइंड बनता है. दिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी, राइट? और तो इसका ये मतलब होगा कि अल्टीमेटली वो अनकॉन्शियसली ही लाइफ जिएगा, क्योंकि जो उसका एक्सपीरियंस है वो उस एक्सपीरियंस से बिहेव कर रहा है. बट एक्चुअल में जो उसका, जिसको आप कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हो, वो कॉन्शियसनेस का मतलब जो मैं डिफाइन करता हूँ उसको ये कहता हूँ कि जब आप अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस कर लेते हो, मतलब जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है उसको जब आप कॉन्शियस कर लेते हो, तब आप समझते हो कि क्या चीज़ें हैं. तब आप डिफ्रेंशिएशन, सबसे पहली चीज़ तो आप सबसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होती है लोगों में कि हम से बड़े हैं, या कोई धर्म में बोला जाता है कि मेरा धर्म ज़्यादा महान है, उसका धर्म नहीं है, तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली ये सब चीज़ें बकवास वाली बातें. जब जैसे ही, इसीलिए जब मैंने बोला कि जैसे आप अनकॉन्शियस माइंड आपका कॉन्शियस हो जाता है, देन यू अंडरस्टैंड कि वी आर ऑल वन, वी आर द क्रिएटर. उसके पहले तक आप क्रिएटर नहीं हो, तब तक आपका आपका और क्रिएशन का के बीच में एक गैप है. और वो गैप कहाँ से आ रही है? आपके फैमिली के जेनेटिक फील्ड से आ रही है. तो डिफरेंट कॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्या हुआ फिर? इसको समझने के लिए सबसे इवोल्यूशन पे जाते हैं. जब हम एक्चुअल में जब इवोल्यूशन हुआ, जब ह्यूमंस आए, राइट? तो जब ह्यूमंस आते हैं तो उस वक्त प्योरिटी ऑफ माइंड थी, ठीक है. माइंड जो था अनकॉन्शियस नहीं था, वो एक्चुअल में वही माइंड था, क्योंकि वो ओरिजिनेट हुआ, राइट? अब जब वो ओरिजिनेशन हुई, जब वो आदमी आया पृथ्वी पर, तो उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहला फियर आया उनको, फियर ऑफ डेथ का, कि अचानक से देखा कि ये हुआ क्या, मतलब ये बॉडी अभी हम बात कर रहे हैं ये कर रहे, बट अभी अचानक से ये कैसे हुआ. तो फियर पहले डाइल्यूट किया माइंड को, ठीक है, कि डेथ हो गई, इसका मतलब कुछ फियर है, मतलब ये बॉडी मूव नहीं कर रही. तो जब उस ये जो फियर जैसे ही आया पहला, उसके बाद माइंड जो है धीरे 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 अनकॉन्शियस होने लगा. फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो फिर ग्रुप से के थ्रू अटैक्स होने शुरू हुए, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को अटैक करने लगा. उसके बाद कॉन्सेप्ट आया भगवान का, कि वो कोई और भगवान, मतलब डेथ के कारण भगवान का जन्म हुआ, राइट? कि अगर इसके डेथ के बाद कोई कहते हैं कि दूसरा जन्म हो जाएगा, कोई कहेगा कि अच्छा इस डेथ के बाद कुछ और शरीर मिल जाता है, ऐसा हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं. जो शरीर है वो यहीं रह गया और वो उसकी यात्रा ख़त्म हो जाती है. अगर कोई आदमी अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर लेता है, तो ये सब चीज़ें वो देख सकता है, जान सकता है. और इसको जानने के बाद उसको ये भी पता चलता है कि बिकॉज अल्टीमेटली हम ह्यूमन जो रेस है, वो अभी मैं जो देख रहा हूँ ये प्रिमिटिव स्टेज पे, अभी इसको भी आगे जाना है. मतलब जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो, फिर दूसरे स्टेज में चले जाते हो, दूसरे देर, क्योंकि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है. अब इतनी बड़ी गैलेक्सी में अगर कोई ये सोचेगा कि सिर्फ ह्यूमंस ही हैं और कोई नहीं है, वो अलग बात है ना. तो इसलिए क्या होता है कि जैसे डेथ होती है, जो लोग अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करके रहते हैं उनकी डेथ कभी नहीं होती, वो इमीडिएट ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन वो देख सकते हैं. यही डिफरेंस होता है जब आप कॉन्शियसनेस को जान, जैसे कि हम कहते हैं कि जब डेथ होती है तो हमारी बॉडी मर जाती है पर हमारी सोल जिंदा रहती है. तो ये सीसे स्लैंगी थ्योरी क्या कहती है? सोल नहीं है मेरी. देखिए, सोल जो का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सोल नहीं बोलते, इसको महात्मा बोलते हैं, बिकॉज सनातन कॉन्सेप्ट है. तो सनातन में आत्मा का मतलब होता है कि अपना क्या है, जो सबसे अपना है, राइट? उसी को आत्मा कहते हैं. तो आत्मा का कॉन्सेप्ट जो सनातन में लाया गया था, वो इसलिए लाया गया था कि लोग ये जाने कि यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है, ठीक है. और इससे क्या होता है कि आप अटैचमेंट होगा बट
जिसको कहते हैं ना अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, तो आपको मोह नहीं होता है, जिसको माया मोह कहते हैं वो नहीं होता, इसलिए आत्मा का कॉन्सेप्ट लाया गया था। बट ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट शुरू में रहता है फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो लोग उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो अब जो आप जो सोल की बात कर रहे हो तो उसका ये मतलब होता है कि भाई ये शरीर के भीतर भी कुछ होगा जो कि जो जिंदा रहता है, ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है। बट ये फियर है, ये जो थॉट्स है फियर वाले थॉट्स हैं, इसलिए मैंने बोला कि जब आप अनकॉन्शियस एक्सेस कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे जो हम केसेस देखते हैं, मुझे नहीं पता वो कितने सच हैं या कितने गलत हैं, पर जहाँ पुनर्जन्म के केसेस देखते हैं, हम देखते हैं किसी ने बच्चे ने अपने पिछले जन्म का सब बता दिया, अपने पेरेंट्स के नाम बता दिए, अपने भाई बहनों के नाम बता दिए, उनसे मिलने चला गया, उस चीज़ को ये थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करें? इसको ऐसे समझते हैं, अल्टीमेटली जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो क्रिएटर जो मैं बोल रहा हूँ, वो क्रिएशन एक तरह से है, ठीक है, उसमें कोई सेपरेशन नहीं है, मेरे में आप में किसी में सेपरेशन नहीं है, वो एक तरह से है। तो होता क्या है कि कभी ना कभी क्रिएशन में ये चीज़ आनी होती है कि कोहिन पे जिसको कहते हो आप क्रॉस कनेक्शन करना है या फिर कुछ, क्योंकि मेमोरी एक्सेस हो जाएगा, जो भी चीज जो आज है वो हमेशा एक्सेस रहेगा, तो वो एक्सेस किसी को हो जाता है और वो वहाँ पर वो बोलते हैं। बट ऐसा होता नहीं, मतलब कि आपका जन्म दूसरा जन्म हो जाएगा, तीसरा जन्म हो जाएगा, ऐसा होता नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जो है आज है। इसलिए लाइफ को मैंने इस किताब में भी लिखा है कि लाइफ एक सेलिब्रेशन की तरह लेनी चाहिए, क्योंकि लाइफ यही मोमेंट पे है और कोई मोमेंट नहीं है, और जो ये मोमेंट पास्ट बन सकता है बट ये मोमेंट फ्यूचर नहीं बनेगा कभी। इसलिए मैंने इसमें ये भी बताया कि फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, फ्यूचर हम क्रिएट करते हैं। तो वो फ्यूचर अगर इन टाइम के कॉन्सेप्ट से कि जो पास्ट है उसका वो एक बेस है, और प्रेजेंट के ऊपर पास्ट के बेस के ऊपर प्रेजेंट का मोमेंट को आप डिसाइड करोगे तो आप फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। पर स्पिरिचुअलिटी का ही एक कंसेप्ट ये कहता है कि जो आपके कर्म थे, पिछले जन्म के कर्म थे, उसके बेस पे आप आज जीते हो। कहते हैं कि यार ये आदमी गरीब है बहुत, हाँ। या हम कई बार देखते हैं कुछ लोग ना पूजा पाठ नहीं कर रहे, हाँ। फिर ये बहुत तरक्की कर रहे हैं लाइफ में, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत खुश हैं, हाँ। कुछ वही एक कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह शाम पूजा पाठ कर रहे हैं, सारे धर्म की चीजें अपना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी वो गरीब है, हाँ। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछो किसी को, डिबेट करो कि भाई देखो वो तो इतनी पूजा पाठ कर रहा है फिर भी वो गरीब है, हाँ। हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, वो आदमी तब भी इतना अमीर है, हाँ। तो लोग कहते नहीं, वो तो ना पिछले जन्म के कर्म है, हाँ। उसने पिछले जन्म में बहुत पूजा पाठ करी होगी इसलिए, हाँ। वो इस जन्म में बड़ा खुश है, बहुत तरक्की कर रहा है। जो व्यक्ति गरीब है वो इस जन्म, हाँ। में जरूर पूजा पाठ कर रहा है पर उसने पिछले जन्म में नहीं की थी इसलिए वो इस जन्म में गरीब है, पर इस जन्म में बहुत अच्छा पूजा पाठ कर रहा है तो अगले जन्म में वो और रईस होगा, खूब अमीर होगा, बहुत खुशहाली होगी उसके जीवन में। तो इस कंसेप्ट में तो फिर ये डिबेट हो गया ना, मतलब डिबेट है, और उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। स्पिरिचुअलिटी अकेले में अध्ययन करने से या किसी के सुनने से कुछ नहीं पता चलेगा। स्पिरिचुअलिटी पहले तो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा, और कभी भी स्पिरिचुअलिटी बिना विज्ञान के नहीं आगे बढ़ सकती, अगर आपको विज्ञान जानना ही पड़ेगा। तो अभी जैसे आपने पूछा कि पिछले जन्म के कर्मों के कारण ऐसा होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो पूरी यूनिवर्स है वो कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी पे चलती है, राइट। तो कॉज एंड इफेक्ट में अगर मैंने अभी आग में हाथ दिया तो मेरा हाथ अभी जलेगा, अगर मैंने अभी पानी पिया तो मेरा प्यास अभी बुझेगा, अगर मैंने बाद में पानी पीऊँगा तो बाद में प्यास बुझेगी, है ना। तो वो इसलिए कि पुराने जन्म में मैंने कुछ किया उसका आज जन्म देंगे, तब तो फिर भगवान को अकाउंटेंट रखना पड़ेगा कि चलो इस आदमी ने ऐसा ऐसा किया था इसलिए इसको ऐसा करते हैं, तो कितने लोगों के लिए अकाउंटेंट रखेगा, भगवान भी परेशान हो जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं जो पूजा पाठ कर रहा है कोई, तो पूजा पाठ तो श्रद्धा के लिए होती है, पूजा पाठ इसलिए होती है कि आप जिसने ये लाइफ दिया सेलिब्रेट करने के लिए, उसको हम बोल रहे हैं कि आपने जो दिया है हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए आपसे आपको पूजा कर रहे हैं। अगर मैं मांगने के लिए जाऊं भगवान को बोलने कि मुझे ये दो, आप मुझे ये ऐसा चाहिए, ये कर दो वो कर दो, उसके भी इसमें उसके लिए अगर पूजा पाठ करें तो पूजा पाठ नहीं हुआ ना, वो तो ब्लैकमेलिंग हुआ कि आप मुझे ये दे दो मैं ये करूँगा। तो इसलिए आप अगर कोई बोल रहा है कि मैं बार हर रोज़ पूजा करता हूँ लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा, तो वो तो ऐसे ही उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा, है ना। तो इसलिए हम उस पर इस तरह से नहीं होता, इसलिए मेन होता है कि कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी होती है और उसी के ऊपर पूरा ब्रह्मांड बस चलता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो वर्ड है जिसको हम आध्यात्म कहते हैं, क्या केवल सनातन से रिलेटेड है या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म या और बाकी धर्मों में भी स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी इन सबसे ऊपर है? स्पिरिचुअलिटी कम्प्लीटली सनातन है, और सनातन ही जिसका जिसको कहते हैं ना आदि ना अंत, तो वही धर्म है। धर्म बाकी तो हर
कोई भी अगर कोई भी धर्म ये बात बोल रही कि मैं आपसे बड़ा हूँ या मेरा भगवान तुमसे तुम्हारे भगवान से बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसको कुछ पता ही नहीं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। स्पिरिचुअलिटी जो टर्म है दैट इज फ्रॉम सनातन, सनातन आध्यात्म। फिर उसका मतलब बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का मेन क्वेस्ट ये होना चाहिए कि पहली यात्रा होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। फिर मैं थोड़ा सा इस पर डिबेट करूंगा आपसे, ठीक है। जहाँ आप कह रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो आज है, प्रेजेंट है, पुनर्जन्म या पिछले जन्म का कोई मतलब नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर वही हमारे सनातन धर्म में कहानियाँ हैं, जैसे कि अगर हम विष्णु के अवतारों की बात करते हैं तो श्री राम का जो अवतार था शायद 8वां अवतार था, है ना। उससे पहले जो अवतार हुए, चाहे वो परशुराम हुए हो, चाहे वरा अवतार हो, हर अवतार के पीछे जो कहानी है विष्णु जी की वो उनके पिछले जन्म से रिलेटेड है। जैसे कि हम जो दशरथ और कौशल्या बोलते हैं कि श्री राम के माता पिता थे, वो विष्णु भगवान के हर अवतार में उनके माता पिता थे और हर अवतार में उन्होंने तपस्या की कि वो उनके पुत्र की तरह जन्म लें या उनके बच्चों की तरह जन्म लें। इसलिए विष्णु भगवान ने हर बार उनको वो किया, आशीर्वाद दिया और हर जन्म में उनके बच्चे बने। तो चलिए कौशल्या और दशरथ ही पिछले जन्म में भी उनके वो थे, माता पिता थे, उससे पहले भी थे, उन्हीं के बर्थ होते रहे, ये सनातन धर्म कहता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है जो आप समझा रहे हो और इस कहानियों में जब पढ़ते हैं। देखिए कहानियों का सबसे पहली चीज़ है कि अगर सनातन के कॉन्सेप्ट में आप जाते हो तो आप ये जानो कि गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू चीज़ें आई हैं, ठीक है, लिखित करके कुछ भी नहीं, मौखिक। हाँ, तो अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो फिर उस पर तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि जो अगर इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपकी अपनी यात्रा होती है, इसमें कोई आपको कहीं से पढ़कर इससे कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ आपको कहानियों की तरह ही लगेगी। और एक स्टेज आएगा आपकी खुद की लाइफ में, अगर आप में आप चाहते हो कुछ जानना उसके अपने लिए, तो आप खुद इन सब चीज़ों को सवाल करोगे कि ये क्या सही कैसे हो सकता है, ये अगर सही है तो कैसे हुआ, हमें कैसे नहीं पता। अच्छा, मतलब स्पिरिचुअलिटी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन है। हाँ, सेल्फ एनालिसिस है, करेक्ट, इसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। करेक्ट, फिर मेरे हिसाब से इसको फिर हमें सनातन से अकेले से जोड़ना सही नहीं होगा। सनातन इसलिए कि जब स्टार्टिंग जो हुई है इसकी क्वेस्ट की वो सनातन से, मतलब पहले जब इंसान, जब मैंने इवोल्यूशन की बात किया है, तो जब इंसान को ये समझना था कि हुआ क्या, आखिर ऐसे कैसे डेथ हो रहा है और क्या है, कौन, कहीं तो कुछ तो होगा ना, किसी ने कुछ तो छोड़ा होगा हमें, क्या हमें कोई तो होगा, कोई ऐसी क्रिएटर होगी, कोई ऐसी पावर होगी, तब वो जो क्वेस्ट था वो सनातन का क्वेस्ट था, इसलिए मैंने आपको बोला सनातन। तो इसमें स्पेशली 3, 6 और 9 की बात क्यों की गई, 2, 4, 8 की बात क्यों नहीं की गई, 1, 3, 4 की बात क्यों नहीं की गई, व्हाई इज ओनली 3, 6 एंड 9? बल्कि ये तो सबसे अशुभ अंक माने जाते हैं, 3 हो गया, 13 हो गया, 9 हो गए। अब ये अशुभ अशुभ, इन सबसे जब इन ये बंधन है, इन बंधनों से जब आप निकल जाते हो तभी आपको स्पिरिचुअलिटी का पता होता है। जब तक आप उसमें रहेंगे कि ये शुभ हो, ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं महान हूँ, वो महान है, तब तक आदमी स्पिरिचुअल। तो फिर 3, 6, 9 ही क्यों? क्योंकि 3, 6, 9 का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। आप हिमांशु हैं, ठीक है, मैं हिमांशु को देख रहा हूँ कैसे, अगर मैं हिमांशु को जानूँ कि हिमांशु एक इंसान है तो उसका क्या चीज़ें होती है, पहली चीज़ है कि आपके पास एक शरीर है, ठीक है, शरीर का क्या काम होता है, भूख और प्यास, यही दो चीज़ें शरीर के लिए होती है, ठीक है, नहीं भूख और प्यास वो मेन है। उसके बाद आते हैं कि आप बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, मन है, तो मन में भी दो चीज़ें होती हैं, क्या होगी, या तो सौरव होगा या तो जॉय होगा, यही दो चीज़ के पे मन घूमता है, ठीक है। उसका तीसरी चीज़ आती है ब्रेथ, जिसके कारण सारी आपकी प्राणवायु जिसको कहते हैं, वो जिसके कारण आप हो इस वक्त यहाँ पर, राइट, हम मैं हूँ, सब जो भी यहाँ पर देख रहे हैं हमें, तो वो क्यों हुए, क्योंकि हम ये प्राणवायु के कारण होती है, ठीक है। तो प्राणवायु जिसको कहते हैं, सांस जिसको आप कहते हो, वो क्या कर, उसके दो ही काम होते हैं, क्या, लाइफ एंड डेथ। इसलिए अब इससे एक इसको और भी, ये 3 और 6 का हो गया, 9 आपके जो जिसको सनातन में 9 द्वार कहते हैं, इन्हीं तो इसके थ्रू आपकी पूरी ज़िंदगी चलती है, तो इसलिए ये 3, 6, 9 का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जो मैंने मन की बात की, उसी मन के ऊपर पूरी ये किताब है कि मन कैसे अनकॉन्शियस हो गया, जो ओरिजिनल मन था, जो हमारा पहले, जो जिससे
जिससे आप क्रिएटर बन जाते हो खुद से, जिससे आपके और क्रिएटर के बीच में कोई सेपरेशन नहीं रहता है। आप तब आप डर से मुक्त हो जाते हो, भय किसी तरह का भय नहीं लगेगा, किसी तरह की अटैचमेंट नहीं होगी, आपको पता है, और ना ही आपके अंदर कभी ये आएगा कि मैं किससे महान हूँ। आज की देर आज पूरी पूरी दुनिया महानता के पीछे भाग रही है ना कि मैं महान हूँ, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा धर्म ये है, ये हो रही है। तो ये सबसे बाहर जाने के लिए ये 369 बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आपको अपने मन को जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको पकड़ना। अभी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था डॉक्टर सरोज दुबे के साथ, उनकी बुक है आरएक्स ऑफ रेजिलियंस। वो बात करती है कि हाउ एन अनकॉन्शियस माइंड कैन बिकम कॉन्शियस। उन्होंने उसमें काफ़ी टेक्निक्स दी हैं, मेडिटेशन टेक्निक्स दी हैं, एक्सेप्टेंस की टेक्निक दी है, देयर आर ए नंबर ऑफ टेक्निक्स इन टू इट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैन, चलो मान लिया मैंने कि हम सब अनकॉन्शियस हैं, तो कैन वी बिकम कॉन्शियस, और क्या कॉन्शियस होना ज़रूरी है? हम अनकॉन्शियस भी बड़े, अगर हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, वी आर फिट एंड हेल्दी एंड डूइंग आवर वर्क परफेक्टली, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देन व्हाट इज द नीड ऑफ गेटिंग कॉन्शियस? अगर हम लाइफ को एज ए सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर कोई किसी तरह की जर्नी की कोई किसी यात्रा की जरूरत नहीं। क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट जो लास्ट में मैंने यही जब मैंने कंसोलिडेट किया इसको, तो मुझे यही समझ में आया कि लाइफ तो सेलिब्रेशन है, फिर क्यों इतना दिमाग लगाना किसी चीज़ में। मैं वही कह रहा हूँ, तो फिर क्या जरूरत है अनकॉन्शियस और कॉन्शियस को समझने की? अगर आप खुश हैं और बिल्कुल ग्रेटफुल होकर के लाइफ जी रहे हैं, चीयरफुल होकर जी रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे हैं, हर किसी के अपने काम में अच्छे से रह रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर किसी की यात्रा की जरूरत ही नहीं है। वही वो अपने आप में एक उत्सव हो गया, वो अपने आप में एक स्पिरिचुअलिटी हो गई। तो 369 जो है, हाउ दिस कैन लीड अस टू अ एंजॉयफुल लाइफ? इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक की लव के बारे में, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, और किस तरह से माइंड अनकॉन्शियस हो गया। तो इसको पढ़ने के बाद कम आप एक इंसान कम से कम इन चीज़ों से तो निकल जाएगा कि ये जो धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े होते हैं, इन सब चीज़ों से निकल जाएगा। और जैसे आप देखते हो कि आप यहाँ पर बैठे हैं, हमें किसी और देश के बारे में बताया जाता है कि वो ख़राब है, तो हम वही सुन के हम वही मानते हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें ये किताब पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपको ये सब दूसरे को जो हीन भावना से देखना होता है वो सब खत्म हो जाएगा, और वो जैसे ही इस तरह की जो आप अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, वो सब भी खत्म हो जाएगा। जैसे वो इस तरह के थॉट्स जब खत्म हो जाते हैं, तो आप अपने आप पे सेलिब्रेशन के मोड में आ जाते हो ना, है ना। सेलिब्रेशन को क्या चीज़ रोकती है? चिंताएं, दूसरे को देखना, दूसरे से कंपेयर करना, तो वो सब कंपैरिजन, वो सब जैसे ही छूट जाएंगे, लाइफ विल बिकम इट्स सेलिब्रेशन इन इटसेल्फ। मैं कहीं पढ़ रहा था, मैंने नोट भी किया पॉइंट, जब ह्यूमंस इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, एट दैट टाइम दे आर एक्चुअली इन टू इट, दे आर इन टू देयर कॉन्शियसनेस, जो उनका अनकॉन्शियस मोड है, क्योंकि उस समय केवल वो अपने आप को और अपने पार्टनर को फील कर रहे होते हैं, एंड दे आर नॉट वरीड अबाउट कि मेरे ऑफिस में क्या हो रहा होगा, या मेरी उस लाइफ में क्या हो रहा है, या इसराइल में क्या हो रहा है, या मोदी ने क्या कह दिया। दे आर आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड दे आर एक्चुअली द रियल कॉन्शियसनेस एट दैट टाइम, विच इज़ ट्रू 369। एंड दैट्स द रीज़न, उस टाइम पर जो प्लेजर है दैट इज बीन सेट किया, दिस इज द प्लेजर वॉट आई हैव अचीव्ड। सो इज इट, क्या मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ उससे, 369 की थ्योरी को? आप मैंने इसमें लिखा है ऐसे लव के बारे में भी और सेक्सुअलाइजेशन प्रोसेस के बारे में भी। एक्चुअली अभी जितने, क्योंकि वी विल ऑल मोस्ट ऑफ अस लीव अनकॉन्शियसली, तो इसमें जो लव का जो पार्ट है, जो जिसमें आपने सेक्सुअलाइजेशन की बात की, तो सेक्सुअलाइजेशन प्रोसेस भी अल्टीमेटली जो इंटरकोर्स की आप बात कर रहे हैं, तो इंटरकोर्स में आदमी इन्वॉल्व तो होता है, बट उसका सिर्फ फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व होता है। हाउएवर जो लव, जिसको एक्चुअल लव मतलब जो लव है, जो कि वो ख़त्म हो चुका है, अभी लव नहीं होता, अभी अट्रैक्शन होता है जिसको हम लव कहते हैं। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कि एक ब्राह्मण लड़का और ब्राह्मण लड़की को सबको अगर कोई और कास्ट आ गया तो उससे नहीं प्यार होगा, लेकिन प्यार जो होगा वो उधर से होगा, ब्राह्मण से ही होगा। जैसे हिंदू को हिंदू से ही प्यार होगा, उसको मुस्लिम से नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, आई डोंट कम है, कम राइट, बहुत, बल्कि अब तो ये बढ़ गया है, मतलब आई डोंट थिंक कि आपकी जनरेशन इज ज्यादा सोचती है क्या ये कास्ट है वो कास्ट है, बहुत कम है, ऐसा नहीं, बहुत कम है। तो वहां पे क्या होता है कि जब आपका ऑलरेडी यहाँ पे बेस आ गया कि अच्छा मुझे इस पर्टिकुलर एरिया का मतलब ऐसा होना चाहिए, तभी मैं उससे, मुझे उससे प्यार होगा, राइट। तो प्यार तो हुआ नहीं ना, वो आपने प्यार किया, प्यार तो अंधा होता है, मैं भी बोलती हूँ, प्यार तो अंधा होता है ना, प्यार कहाँ देखता है कि यार ये कौन सी कास्ट है, क्या है, काला है, गोरा है, प्यार होना होता तो हो जाता है ना, जब होना होता है तो होता है,
करेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ, बट उसमें भी कंडीशंस होते हैं, मैं वही बता रहा हूँ, कंडीशन जो होने लगे जब से, कि पहले जो अगर मैं इसमें बुक में मैंने लिखा है एवोल्यूशन के टाइम में, कि स्ट्रांग बच्चे होंगे ताकि ग्रुप में जो अटैक होता है उससे बचने के लिए स्ट्रांग मैन एंड वुमेन को ही शादी करना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ से ही वो डाइल्यूट हो गया है लव का कॉन्सेप्ट। तो इवन टुडे अगर आप बहुत सारे, मतलब जब तक आप सेटल नहीं होगे तब तक आपको कोई लड़की नहीं देगा, मतलब शादी नहीं हो रही, प्यार तो होगा ही नहीं ना, वो तो प्यार तो में तो आजकल तो सब खुद ही ढूंढ लेते हैं, कहाँ आजकल तो खुद ही ढूंढ लेते हैं सर। आजकल खुद ही ढूंढते हैं, वो बहुत कम परसेंटेज है, ठीक है, नहीं सर ज्यादा परसेंटेज है, आई डिबेट ऑन दिस, वो बहुत कम परसेंटेज है, और उसमें भी आप देखो जब सेटल मैरिजेस तो कम हो रही है, अब तो अरेंज मैरिज कम हो रही है, अब तो लव मैरिज ज्यादा हो रही है। मैं जिसको भी लव के बारे में बात करता हूँ, हर कोई, एक तो सबसे बड़ा हर्डल दिखता है कि 30 तक हो जाओ तो भाई शादी करनी पड़ेगी, 30 के पहले ही शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर लड़का नहीं मिलेगा, ठीक है, तो पूरा जो बेस है मतलब शादी का, वो ऑलरेडी इसमें लव का पार्ट तो गायब हो गया, उस तो डर से हो कि भाई किसी से कोई मिल गया, चलो बात हुई, थोड़ा सा इम्पिटेशन हो गया, आपको लगा लव नहीं, वो तो देखो बता देता, मेरा मेरा ये सोचना है कि 30 से पहले तो ना प्यार भी हो जाना चाहिए और शादी भी हो जानी चाहिए। रीजन बिहाइंड कि आपकी जो बॉडी है फिजिकली, चाहे मेल के स्पर्म काउंट्स कह लो, चाहे फीमेल की ओवरी की हेल्थ कह लो, दे ऑल आर इन दैट पोजीशन कि अगर आप उस समय शादी करते हो एंड कंसीव करते हो तो आपका बेबी हेल्दी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, दैट मीन्स आप अपनी आने वाली जनरेशन को एक हेल्दी जनरेशन दे रहे हो। वही अगर आप लेट शादी करते हो तो आपको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशन कारण होता है आपको बेबी हेल्दी ना हो, प्री मैच्योर बेबीज हो। तो यहाँ पे भी आपके बात पे लव में कंडीशन है कि बेबी करना है इसलिए मुझे लव करना है तब ताकि और उसी के बीच में शादी करूँगा, राइट? नहीं सर लव पहले होता है, बेबी तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ लव। तो जो आप कह रहे हैं उसी की बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी देखो अभी मैं आपको थ्योरी बता दे रहा हूँ कि जो मैंने बोला कि लव जब एक्चुअल लव होता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स इट इज नॉट ओनली फिजिकल बॉडी, इट इज दी जिसको मैं एनर्जी, कंप्लीटली एनर्जी बॉडी कहता हूँ, वो मिलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है जब इस तरह के जब भी इस तरह का किसी को जो प्यार जब भी होगा और उस वक्त जो जो इंजॉयमेंट होता है कंप्लीटली डिफरेंट होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस पर रिसर्च है, और ये किसने रिसर्च किया मुझे ये पता नहीं, बट इस पर रिसर्च है जिसमें कि बहुत सारे कपल्स के ऊपर रिसर्च किया गया, इन द लेट 50s वाले कपल्स के ऊपर और 30s के बिफोर वाले कपल्स के ऊपर, तो उसमें यही देखा गया जिनको प्यार था वो लोग बिना ना उनको कपड़े उतारने की जरूरत है ना ये, दे फेल ऑर्गाज्म अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और उसमें सिर्फ 2-3 कपल आए थे जिनको एक्चुअली एक दूसरे से प्यार था। सो लव, तो इसलिए मैं बोला कि जब तक आप जिस चीज़ का एक्सपीरियंस में नहीं जानेंगे तब तक आपको लगेगा कि यही ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। तो अब अगर मैं लव के कॉन्सेप्ट पे जाऊँ तो शादी आप कभी भी करो, अगर आपको प्यार हुआ किसी से कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए ये, क्योंकि ये क्या है कि आपने एक मैकेनिकल वे ऑफ लाइफ है, कैलकुलेटिंग लाइफ है, कि 100 साल का लाइफ है तो हमने वही 30 तक शादी कर ली, उसके बाद जैसे आपने बोला कि हाँ बच्चे हो जाएंगे तो हेल्दी जनरेशन आ जाएगी, ये इससे क्या होगा, बर्डनसम हो जाते हो आप, कुछ आपकी जो डिसीजन लेते हो लाइफ को वो पूरा कैलकुलेटेड हो जाता है। और अभी मैं रिसेंटली किसी कोई यंग जनरेशन के लोगों से बात कर रहा था, तो दे आर अनमैरिड, मैं पूछा मैं शादी वादी करने का प्लान है कब कर रहे हो, तो कहते हैं शादी की जरूरत ही नहीं है, कहते प्यार हो गए साथ में रह रहे हैं, जो करना हो कर तो रहे, क्या करना है, शादी करके क्या करना है, वाई वॉन्ट टू बाइंड आर सेल्फ, तो कहाँ गया कंसेप्ट, स्पिरिचुअलिटी गायब, खत्म। तो वो तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर शादी करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे इसलिए नहीं कर रहे। अगर मैं इसलिए बोला कि सेक्सुअलाइजेशन प्रोसेस, मैंने बुक में पूरी मेंशन की है कि लव एंड सेक्सुअलाइजेशन प्रोसेस कम्प्लीटली जो था पहले वो नहीं है, बहुत रेयरली अगर किसी में एक्चुअल में प्यार होता है तो होगा। और ऐसे भी अगर किसी को प्यार होगा, अगर आपको किसी से प्यार है, ठीक है, आप कैसे उसको, उसे शादी नहीं करोगे, आप अपने उसको अपने पास हमेशा रखोगे, आप कभी भी उसको जाने नहीं दोगे दूर, राइट? ये तो ये अगर ये कोई कह रहा है कि मैं प्यार करता हूँ और मैं हम साथ रह रहे हैं, तो वो तो इट्स जस्ट फॉर सेक्स, दैट्स इट, उसके अलावा फिर कुछ है ही नहीं ना। और प्यार इज़ नॉट ओनली अबाउट सेक्स, इट इज़ अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर पार्टनर, राइट? तो वो कहाँ गया? तो इसलिए ऐसे लोग अगर बोल भी रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, आपने कहा आपकी आपके इसमें लिखा है कि मतलब यू आर इनटू द हीलिंग टेक्नोलॉजी, आप इस 3690 कंसेप्ट को यूज़ करके यू हील क्रॉनिक डिजीजेस, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस दिस कैन हील? मैं इसको ऐसे समझते हैं, आने वाले समय में आगे अगेन आफ्टर 30-40 ईयर्स जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ से देख रहा हूँ मैं, तो
एक होगी जो मेडिकल साइंस करती है, ठीक है, डिजीज को उसको कहते हैं मेडिसिन ऑफ सिम्टम, कि आपको पेट में दर्द है तो आपको दवाई दिया गया और आपका पेट दर्द ठीक हुआ, ठीक है। और दूसरा होता है मेडिसिन ऑफ कॉज, जिस जो कि मेटाफिजिकल एस्पेक्ट पे काम करती है कि आखिर अगर मुझे ये हुआ है तो क्यों हुआ है। तो मैं हेल्प करता हूँ क्लाइंट्स को कि अगर ये एक क्रॉनिक कंडीशन, मतलब नो वे आउट सिचुएशन इन लाइफ, कि अब उसको फील हो रहा है कि ज़िंदगी में कुछ है नहीं, जैसे कि डिप्रेशन में हो जाता है या कैंसर के केस में हो जाता है, तो उस तरह की कोई इमोशनल तो चल रही होगी, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर काम करता हूँ कि उसको कैसे उसमें से निकाला जा सके जो भी सिचुएशन आई, तो मैं सिचुएशन के ऊपर काम करता हूँ। जैसे कि कैंसर को अगर हम लेते हैं, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कहते हैं कि यार क्यों हो गई पता नहीं पड़ता, वो भले लिखते रहे कि यार सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ या उससे होती है, पर ऐसे ऐसे लोगों को भी कैंसर होता है जो ना स्मोकिंग करते हैं ना ड्रिंक करते हैं एंड दे गेट कैंसर। तो आपकी हीलिंग टेक्नोलॉजी या आपकी रिसर्च क्या कहती है कि ये कैंसर क्यों हो जाता है? मेरी रिसर्च बीमारी के बारे में तीन तरह के रीजंस बताती है। पहली बीमारी होती है जो वेदर कंडीशंस के चेंज होने से होती है, बट वो बीमारी कभी भी क्रॉनिक नहीं होगी, जैसे सर्दी होगी जुकाम होगी कि जैसे ही वेदर चेंज होगा। दूसरी होती है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, कि आप लेट तक सोते हो, आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो उसके कारण बीमारी होगी, नॉर्मल बीमारी होंगी जो कि आप तो मतलब कुछ दिन चलेगा ठीक हो जाएगा। तीसरी है क्रॉनिक कंडीशन। क्रॉनिक कंडीशन तभी होगी जब इंसान के लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं जिससे वो निकल नहीं पा रहा है और जिससे वो परेशान हो गया, जैसे कि किसी का करियर रिलेटेड इश्यूज होगा, किसी का बिजनेस अचानक से चलते चलते फेल हो गया, किसी की फैक्ट्री में अचानक से आग लगी उसके पूरा ये चला गया, उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, है ना, कि क्या हो गया अचानक से, किसी को शॉक लग जाएगा, किसी को पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये क्रॉनिक कंडीशंस तभी होंगे जब आपकी लाइफ में कुछ इस तरह से चल रहा है, कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे हो गए लाइफ में जिससे कि आपको लग रहा है कि मैं निकल ही नहीं सकता, तभी होगा, उसके पहले नहीं होगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको ब्रीफली समझने की कोशिश करूँ, मैं तो कैंसर से रिलेट कर रहा हूँ, कैंसर उन लोगों को ज़्यादा होगा जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान है और ज़्यादा अनकॉन्शियस मूड में है, वो खुश नहीं, वो खुश नहीं वाली बात नहीं होगी इसमें। इसमें ये होगा कि उनको उनको लग रहा है कि नो वे आउट है सिचुएशन जो उसकी लाइफ में चल रही है। मेरे जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जो किया था, तो एक वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो गया था कि उन्होंने अपने बच्चे को हॉस्टल में डाला था और एकलौता लड़का था और हॉस्टल में उसके साथ कुछ परेशानी होगी और उसके बाद फिर उसने नौकरी मतलब पढ़ना लिखना छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया और उसको पूरा टेंशन होने लगा कि इसका आखिर होगा क्या, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूँगी तो उसको दिखेगा कौन, कौन इसका केयर करेगा, वो जो फियर आने लगा क्योंकि एक ही लड़का है और वो उसके साथ ऐसा हो रहा है, वो घर से बाहर नहीं जा रहा है, डर के रहता है, घर के अंदर ही रहता है। तो ये जो सिचुएशन आई लाइफ में, तो उनको अपने ब्रेस्ट में कैंसर ले लिया। तो अगेन इसका कोई रिसर्च है, कोई प्रूव्ड है कहीं कि ऐसा होता है? ये तो मैं ही बता रहा हूँ आपको, और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है और अभी साइंस की जो एक ब्रांच है साइकोबायोलॉजी, तो वो उस पर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारे तो हो चुके हैं। तो उस पर ये होता है कि आपकी जेनेटिक जो है फैमिली जीन्स किस तरह से आपके ब्रेन से रिएक्ट करते हैं, तो जैसे ही वो रिएक्शन तो वो अगेन वो जो रिएक्शन क्यों हो रहा है वो उस ब्रांच साइकोबायोलॉजी का वही काम है, वो उसी पर रिसर्च कर रही है। तो इसलिए मैंने जो आपको बोला कि आज से 30-40 साल बाद आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर काम करेंगे और मेडिकल साइंस तो उस पर ना काम कर ही रही है, तो दोनों जब होगा तो मतलब आज की डेट में मतलब ये चीज़ समझना बड़ा मुश्किल है। मतलब जैसे आप कह रहे हो कि कैंसर इन कारणों से होता है, जहाँ हमने तो ये पढ़ा है कि कैंसर भाई आपके सेल्स में जो आपके कैंसर का मतलब होता है जो बिना ऑक्सीजन की जो आपकी सेल्स है वो ग्रो करती है, ठीक है, वो ये इसका मेन मीनिंग है। तो अगर मैं इसको मेटाफिजिक्स से अगर जोड़ूंगा तो ऑक्सीजन का मतलब है कि लाइफ, राइट, ऑक्सीजन से ही सारा लाइफ है आपका, तो इसका ये मतलब है कि लाइफ रिलेटेड जो मैंने आपको बोला नो वे सिचुएशन उसको मिल रहा है कि नो वे आउट, मतलब जो उससे निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए वो उसकी फीलिंग है, वो उसके इमोशंस है, तो उसके कारण वो हो रहा है। जैसे अगर किसी को कैंसर से बचना है तो बेस्ट है कि आप खुश रहो, अपने आप को टेंशन फ्री रखो। देखो टेंशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, हम ह्यूमंस हैं तो टेंशन हमारे को आएगा ही आएगा। अब सवाल है कि जिस तरह से हमने अपनी फैमिली सिचुएशन, जिस तरह से हमने अपनी सोसाइटी बना के रखी है इस वक्त, उसके कारण सारा प्रॉब्लम है कि आदमी अपनी ही फैमिली मेम्बर से हेल्प नहीं मांग पाता, ठीक है, अपने ही अगर वो परेशान है तो आखिर अगर दो तीन लोगों ने साथ दे दिया तो आप निकल जाओगे ना, जब होता कब है परेशानी, जब आपको पता है कि मेरा कोई साथ देगा नहीं, तब मैं फंस गया, अब मुझे क्या करना है, क्या कैसे निकलूंगा, तो उसी वक्त वो जो टेंशन वाली जो बात करें वो तो आएगी आएगी। जी तो कैंसर की बात हो गई, मैं हीलिंग पे ज़्यादा आ रहा हूँ प्लीज़ क्योंकि मैं इसमें थोड़ा और समझना चाहता हूँ प्लीज़। मुझे और ऐसे बीमारी हैं जैसे कि हम कहते हैं आपका डायबिटीज़ या आपका फैटी लिवर,
ये भी आपका इसके कारण है? देखो फैटी लीवर तो आपका मैंने बोला लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण होता है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर नहीं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया। मैंने बोला तीन तरह से बीमारियां हैं, जो जो क्रॉनिक कंडीशन है वो किसी सर्कमस्टेंसेस के कारण आएंगे, क्योंकि फैटी लीवर इज आल्सो अ क्रॉनिक कंडीशन ना। नॉट रियली, एक टाइम पे जाके लिवर सिरोसिस तक पहुंच जाए तो क्रॉनिक हो जाता है ना। हां वो, बट मैंने जनरली अगर क्रॉनिक केस में पहुंच रहा है तो जिसको क्या कहते हैं लीवर का कुछ और नाम है उसका पता नहीं, तो अगर वो कंडीशन आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई सिचुएशन आएगा ही आएगा। लीवर से याद है कि एक मेरी पेशेंट थी जिसको लीवर में का इशू था और उसको मतलब डॉक्टर ने बोला हुआ था कि अब इनका बचना मुश्किल है, और जब आई थी तो बिल्कुल ऐसी थी। तो क्रॉनिक कंडीशन, मैंने उनसे पूछा कि आपके लाइफ में ऐसा क्या कंडीशन हो गया कि ये है, तो उनकी यंग डॉटर की डेथ हो गई थी। ठीक है, यंग डॉटर की डेथ हो गई थी और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता, मेरे जाने के पहले बेटी को क्यों हुआ। तो उसके अंदर जो गुस्सा था, अगेन लीवर में प्रॉब्लम जनरली एंगर रिलेटेड इशूज के कारण होते हैं, तो अगर वो जो गुस्सा था वो इतना स्ट्रांग उसका था, जब ऑब्वियसली जब हम हीलिंग करते हैं उसमें उस वक्त जब हमने उसका वो तेज गुस्सा देखा टुवर्ड्स नॉट टुवर्ड्स ओनली अपने लिए बट भगवान के लिए कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, ये मतलब वो उसने बिल्कुल इस तरह से वो हो गई थी। तो फिर वो जब हमने उसके उसी पर काम किया और धीरे धीरे आज 3 साल हो गए एंड शी इज़ फाइन। तो कौन कौन सी बीमारियाँ आप हील करते हो इस टेक्नोलॉजी? मैं ऑनेस्टली जब मैं वही केसेस लेता हूँ जो लोग आते हैं मेरे पास कि मुझे कहीं से भी नहीं हो पा रहा, जैसे एक कोई एक बच्ची का केस आया था जिसमें कि वो उसको अचानक से पेट में यहाँ पे दर्द होता था और वो बेहोश हो जाती थी, तो अब वो बहुत एक साल से परेशान थी, वो नहीं हो पा रहा था, तो वो मेरे पास किसी ने रिकमेंड किया था। मतलब फिर बीमारियों की लिस्ट अगर बोलो कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए लोग कंसल्ट करते हैं इस टाइप के? जनरली क्रॉनिक कंडीशन में किडनी वगैरह में इश्यूज जब आता है तो वो करते हैं, तो वो उस तरह के लोग आते हैं जब उनको दिखता है कि कुछ हो नहीं रहा, बार बार नहीं हो रहा है। जैसे अभी कल कोई आया था जिसको जिसकी वाइफ को किडनी में इश्यूज था बट वो बहुत दिन से किए जा रहा है, वो हो नहीं पा रही थी, और वो हर महीने 1.5 महीने में उसको हॉस्पिटलाइजेशन होना शुरू हो गया था। तो इस तरह के लोग आते हैं। तो आप इस हीलिंग टेक्नोलॉजी में क्या करते हो, कैसे हील करते हो? मैं जेनेटिक फील्ड पर काम करता हूँ, मेटाफिजिकल एस्पेक्ट पर, तो मैं थोड़ा इसको मैं क्वांटम फिजिक्स की भाषा में बताता हूँ कि दो तीन हैं, एक है मॉर्फोजेनेटिक फील्ड कहते हैं और एक है मॉर्फोजेनिक फील्ड। मॉर्फोजेनिक इज़ योर ब्रेन, इज़ योर माइंड ऑन माइंड एंड जो जब आप मदर के वूम में थे वहाँ पे क्या क्या हुआ है। ठीक है, मॉर्फोजेनेटिक इज़ जो आपकी पूरी फैमिली ट्री है उसमें क्या क्या हुआ है। जनरली 2 जनरेशन से 3 जनरेशन ऊपर तक में जो भी मिसहैपनिंग्स होती हैं वो होती है, वो सारी फील्ड जो है इम्पैक्ट करती है। इसलिए मैंने जब डेस्टिनी की अगर मैं बात करता हूँ तो जब डेस्टिनी कैसे होता है कि ये दोनों मॉर्फोजेनेटिक और मॉर्फोजेनिक फील्ड आपको डिसाइड करती है कि आपकी डेस्टिनी कैसी होगी। अभी जैसे आपने एक और एग्जांपल देता हूँ कंसीविंग इश्यूज के केस में क्या होता, मैक्सिमम केसेस जो मैंने देखे हैं, तो उस वक्त जब वो मदर के वूम में रहती हैं उस वक्त उनकी इमोशंस क्या रही हैं मदर की। जैसे कि एक केस का एग्जांपल देता हूँ कि उस लड़की के साथ ये था कि जब वो वूम में थी तो उसने उसकी मदर को ये फील हो रहा था कि ये दोबारा बेटी ना हो, क्योंकि अगर वो बेटी पहली बेटी जो हुई थी तो उसको मतलब उनकी फैमिली ने थोड़ा बहुत गलत तरीके से टॉर्चर किया था उनके ऊपर, तो वो डर सके कि इससे अच्छा तो मैं बच्चा ही नहीं पैदा करती है, ये पूरी इमोशन जो थी वो उसके माइंड में थी ना। उसका सारा रिपोर्ट्स जब शादी हुई इस लड़की की 6 साल से उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा, और जब उसकी रिपोर्ट्स आ रही थी तो रिपोर्ट्स सारे नॉर्मल है बट फिर भी नहीं हो पा रहा था। फिर जब हमने इसके ऊपर ही उसको जब वुम की जर्नी तक ले करके गए वहाँ पर से सारे इमोशंस निकले और फिर वो बिल्कुल सफोकेटेड फील कर रही, तो उस बच्चे ने वहाँ पर जो मैंने बोला कि माइंड में से डेवलप हो जाता है, तो उस माइंड ने रिजेक्ट कर रहा था कि बॉडी वो रखना ही नहीं चाह रही थी। तो जब उसने उसको एक्नॉलेज कर लिया, शी हैज़ टू किड्स, 2 बच्चे भी। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आती है, जनरली हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं ना इन पे भूत आ गए, प्रेत आ गए, अजीब आवाज़ में बात करने लग गए, लोग उनको मंदिर ले जाते हैं या दरगाहों पे ले जाते हैं भूत उतरवाने के लिए। कुछ राजस्थान में कुछ मंदिर है यहाँ पे ले जाया जाता है लोगों को, लाइन लगी होती है ऐसे लोगों को, वो क्या है? इज इट दैट दे आर इन टू सम अनकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस, या सच में जब आपने कहा कि सोल ही नहीं होती, आत्मा ही नहीं होती, तो भूत प्रेत क्या बात क्या है फिर? देखिए जो मैंने जितने लोगों पर काम किया है मैक्सिमम लोग, जैसे कुछ लोगों को बीमारियां होती है कि वो अचानक से नाचने लगते हैं, ठीक है, ऐसी बीमारियां होती हैं, तो जब मैंने नाचने लगते जैसे ही कुछ हुआ अपना नाचने लगे,
कुछ ऐसे ही कुछ कोई कहता है कि देवी आ गए, कोई कुछ कहते हैं। बट जब मैंने इन लोगों को ऊपर देखा तो इन सबसे बड़ा ये होता है कि इनके अंदर कुछ ये आ जाता है, गुस्सा इकट्ठा हो जाता है या कुछ फियर हो जाता है, और वो हमेशा फैमिली से आएगी। फैमिली में कुछ ना कुछ चल रहा है या किसी कंपैरिजन में आ जाएगा, किसी के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके कारण हो रहा है कि ये मेरी जो दोस्त है वो बहुत बड़ी बन गई, मैं कुछ नहीं कर पाई। तो वो जो रिग्रेट्स और वो जो गुस्सा आता है, उसका एक्सप्रेशन ये सब होता है। जब जाकर भूत प्रेत कुछ नहीं होते, फिर ये मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं आपके इमोशंस ही हैं, वो रिएक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हैं आपके साथ, क्योंकि आप संभाल नहीं पा रहे अपने आप को। मेक सेंस। तो आप इस बुक से मतलब लोग इस बुक को क्यों पढ़े, इसमें उनको क्या मिलेगा? जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ 369 या सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग दे कैन गेट फ्रॉम दिस बुक? इससे हीलिंग भी मिलेगी और इससे सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बोला, लाइफ उनको कैसे सेलिब्रेट करना है वो जान जाएंगे। ये जान जाएंगे कि जो हमें झूठ बोला जाता है कि हम महान है, उसका धर्म गलत है और हमें इसके ये करने से ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, इन सबसे मुक्त हो जाएंगे, कंपैरिजन से मुक्त हो जाएंगे कि किसी से कंपेयर करना है अपने आप को, वो अपने आप क्रिएटर के बिल्कुल क्रिएटर और क्रिएशन उसके साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद लाइफ सेलिब्रेशन। ये 369 की थ्योरी क्या टेस्ला ने दी है या किसी और ने दी है? उनका स्टेटमेंट था कि अगर आप इसको जानते हैं तो आपको बहुत सारे ब्रह्मांड के रहस्य समझ में आएंगे। और ये थ्योरी दी किसने? थ्योरी तो अभी तो मैंने ही दी है, 369। ओके। नहीं, इंटरेस्टिंग थ्योरी। आप भगवान विश्वास रखते हो? मैं पहले रखता था, अब नहीं रखता। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मैं जान गया हूँ। क्या जान गया? जब तक आप जानते नहीं हो तब तक आप मानते हो कि ये हमेशा। तो आप मतलब घर में पूजा पाठ कुछ नहीं करते? नहीं करता, पहले करता था, बहुत करता था, अब नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही ना, वो यात्रा पूरी हो गई, जान लिया कि लाइफ क्या है, सेलिब्रेट करने के लिए किसी ने भेजा सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो जिसने सेलिब्रेट करने के लिए भेजा है, क्या उसको पूजना जरूरी नहीं है? नहीं, आप उसको थैंक यू बोल, जो मैंने बोला पूजा का मतलब क्या बताया? थैंक यू होता है, थैंक यू करना है। हाँ। एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप यू जस्ट थैंक कि योर लाइफ योर बॉडी अभी है। तो मतलब आप पूजा करते हो उसको? पूजा नहीं किया ना मैंने, आपने थैंक यू बोला। थैंक यू बोला बस। तो थैंक यू से पूजा ना, अभी आपका पूजा डिफरेंट है ना। वो तो थैंक यू बोलने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तरीका हो सकता है, बट और आप अगर थैंक यू बोल रहे हैं भगवान, पहले आपने मुझे ये बोला था कि जो लोग पूजा पाठ कोई कह रहा है कि मुझे, मैं रोज पूजा पाठ करता हूँ और फिर भी मेरे पास मेरी लाइफ ठीक नहीं हो रही, तो फिर नहीं। लेकिन अभी आपने कहा ना, आप भगवान बिलीव नहीं करते? बिलीव नहीं करता, मैं जानता हूँ, आई नो गॉड, आई डोंट बिलीव। पर आप थैंक यू तो बोल रहे हो, जानता हूँ इसलिए थैंक यू बोला। अच्छा, आपके घर मंदिर भी नहीं है? क्या नहीं है? घर में मंदिर नहीं है? नहीं, मेरे अब नहीं है। अच्छा, पहले सब थे। और कितने साल में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका? ये लास्ट 6-7 ईयर्स में हुआ। उससे पहले आप सब कुछ करते थे? उसके पहले मैं सब कुछ करता था, मैं मंदिर में भी जाता था, बिल्कुल यात्राएं करता था, सब कुछ करता था। पर जब आप, मैंने बोला जब जिस दिन ये गैप हट जाए क्रिएटर और क्रिएशन का, उस दिन आपको किसी दूसरे की तरफ वैसे नज़र से नहीं देख सकते, फिर आपको समझ में आ गया क्या है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मैं पूजा पाठ करता हूँ, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं और भगवान को ही मानता हूँ, पर ऐसा नहीं मानता हूँ इसको कहते ना लोग बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत पाठ कर रहे हैं। मेरा मानना हमेशा है कि भगवान हर जगह है, मतलब सब में। हाँ, जैसे कि सब चीज़ में। जैसे लोग शिवरात्रि पे कहेंगे मैं उपवास रख रहा हूँ, मैं जल्दी कहता हूँ कि यार उपवास नहीं रखना, क्यों रखना है? शिवरात्रि मतलब शंकर भगवान की शादी का दिन है। हम शादी में क्या करते हैं? हम खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ। मेरा मानना है कि उस दिन एंजॉय करना चाहिए ना, वो पास क्यों रखें? हाँ, तो शिवरात्रि ऐसे भी बहुत ही ऑसपेशियस डे होता है, और वो इसलिए होता है कि जो मैंने जो इवोल्यूशन जब देखा, जाना देखा, वो शिवरात्रि का ही दिन था। ठीक है, कि उसी में वो डांस ऑफ क्रिएशन होता है, और वो डांस हर साल इसलिए होता है कि जो हम जीव जंतु, पेड़ पौधे, मदर नेचर जितने भी हैं, वो अलाइव रहे। हर किसी को एक सांस की ज़रूरत होती है, तो शिवरात्रि वही सांस वायु या प्राण वायु बन के हर साल आती है मदर नेचर के। लेकिन हम हमेशा कहते हैं जो क्रिएशन है, पूरी सृष्टि का क्रिएशन है, दैट इज़ डन बाय गॉड। आप कह रहे हो नहीं, मैं भगवान को जानता हूं पर बिलीव नहीं करता, बिकॉज मैं क्रिएटर और क्रिएशन में डिफरेंस समझ गया हूं। हाँ। और आप क्या समझते हो कि आप क्रिएटर हो, भगवान क्रिएटर नहीं है? डिफरेंस जब खत्म हो गया तो फिर आप अपने आप को क्रिएटर कहो, भगवान को क्रिएटर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पर डिफरेंट आप और हम तो क्रिएटर नहीं है ना। वी आर नॉट क्रिएटिंग ट्रीज, वी आर नॉट क्रिएटिंग माउंटेन्स, वी आर नॉट क्रिएटिंग क्लाउड्स,
जो वो तो कोई क्रिएटर है, जब आप उसी के साथ आ गए तो फिर अलग कैसे हो गया? उसी के साथ आपने अलग बनाया है ना अभी अपने आप को, कि आप ले रहे हो कि वो अलग है, मैं कह रहा हूँ कि वो अलग है ही नहीं, मतलब आप खुद भगवान है, जो आप हो वही हो भगवान है, मतलब आपका कहना है कि हम खुद ही भगवान है। करेक्ट, इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसीलिए मैंने बोला कि लाइफ को सेलिब्रेशन करनी चाहिए, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। भैया दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको जो क्वेश्चंस लग रहे हो ना हितेश जी से पूछने के लिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि हम इनसे और आप इनसे जवाब लेना जरूरी है, कि मतलब ये खुद भगवान है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भगवान के साथ बैठा हूँ। नहीं बट रियली मतलब जब हम बात करते हैं भगवान की चाहे स्पिरिचुअलिटी की, ये ऐसे टॉपिक है जिनमें आप जितना गहराई में जाओ आपको उतने प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, उतने नए कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। बट यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने बोला कि आपकी पर्सनल जर्नी होगी, ठीक है। मैं अब जैसे मैं और बताता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट है डॉक्टर कपिल, तो उनको बड़ा शौक था कि मुझे भी जानना है क्रिएटर के बारे में, तो मैंने बोला ठीक है तुम एक दो मेडिटेशन टेक्निक मैं बताता हूँ, वो स्टार्ट करो पहले, और रिगोरसली उसने किया 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद क्या हुआ, होने लगा कि जो ये प्रोसेस होता है ऐसा जब आप करना शुरू करते हो, तो अचानक से वो उनकी बॉडी जो है वो बैठे हैं वो बिल्कुल गायब हो गए, मतलब माइंड उनका गायब हो गया और बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई, ठंडी मतलब नॉर्मल है, बट वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनको कुछ होश नहीं है, और उनके घरवाले उनको उठा रहे हैं क्या हो गया उसको, एक बार हॉस्पिटल तक एडमिट करने लेकर के चले गए तो रास्ते में उठ गए, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप ये सब छोड़ो, वो डर गए बेसिकली कि वो क्या रहा, आखिर बॉडी क्यों हो रहा है, फिर टेस्ट करा सब नॉर्मल है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ऐसे हो रहा है, तो मैंने बोला कि होगा क्योंकि ये फर्स्ट फेज है, क्योंकि जब अल्टीमेटली आत्मा और परमात्मा एक ही होती है, जो बात है ना आत्मा, अगर आत्मा है तो परमात्मा भी मतलब एक ही है, आत्मा ही परमात्मा और परमात्मा ही आत्मा है, ये सनातन का जो कॉन्सेप्ट है, तो मैंने उसको यही समझाया कि होगा, क्योंकि जब ये पूरा अभी होगा कि तुम अनकॉन्शियस रहोगे, पर बाद में धीरे धीरे वही अनकॉन्शियसनेस आपका कॉन्शियसनेस बन जाएगा, मतलब कॉन्शियस हो जाओगे, दैट इज़ व्हेन यू अंडरस्टैंड कि क्या है। आपने कहा आप क्रिएटर को समझ चुके हो, समझ चुके हैं, बिलीव नहीं करते हो, तो मुझे एक चीज़ समझाना, आप एज्यूम करते हैं भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने धरती बनाई, है ना, धरती बनाई, पेड़ पौधे बनाए, इंसान बनाए, जब धरती बनाई तो दैट मीन्स जो इटर्नल पावर है वो धरती पे तो नहीं थी, वो कहीं और थी, तो धरती से पहले कहाँ थी वो पावर, कहाँ थी इस ब्रह्मांड में, कहाँ थी वो? ब्रह्मांड में स्पेस नहीं है, मतलब टाइम जो आप जिस तरह से डिफरेंट अलग करके बात करो वो डिफरेंशिएशन नहीं है, वो सब एक ही है, पूरी डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, डिफरेंट ये है, बट सब एक ही है, सोर्स एक ही है, जिसको मैं परा प्रकृति कहता हूँ, दैट इज विच इज बियॉन्ड नेचर, दैट इज परमात्मा, इसको बोलते हैं, जिसको परमात्मा आप कहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा आप ये बुक जरूर पढ़ो, क्योंकि जितना हम यहाँ बात कर लिए हैं ये तो मतलब खैर में 1% भी नहीं होगा इस बुक में जितनी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के ऊपर है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस टॉपिक में तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ गो एंड बाय दिस बुक डिकोडिंग द मिस्ट्री, मैं इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हाँ थैंक यू, और ताकि आप जाके इस बुक को ना परचेज कर सको, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और हमेशा अपनी लाइफ में ना ये स्पिरिचुअलिटी वाले कॉन्सेप्ट्स को ना सोचने की ज़रूरत भी बहुत है, बहुत ज़रूरी है, कभी कभी सोचना ज़रूरी है कि यार मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, और मेरा हमेशा मानना है कि हम अपने 30-40s की एज तक ना बहुत भाग दौड़ करते हैं, बहुत कुछ बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि अभी ये कर लें वो कर लें, 40s के बाद आपको लगता है कि अब बस आपका हाफ लाइफ कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, नाउ इट्स टाइम कि वेयर यू नीड टू रियलाइज योरसेल्फ कि यार आप में क्या शक्ति है, या आप कौन सी करना चाहते हो जो आपको खुश करती है। फंगी टेलिंग यू, मैं लगभग हर वीकेंड शूट करता हूँ यहाँ के, 3-3, 4-4 शूट करता हूँ, मुझे कई लोग पूछते हैं कि यार तुमने वीकेंड पे भी इतना काम करते हो, जाके वहाँ पे शूट करते हो बैठ के, और उन शूट के लिए पहले बुक्स भी पढ़ते हो, इतना करते हो, अपना ऑफिस भी करते हो, तो मैं उनको ये कहता हूँ, मैं कहा जो मुझे करना था ना 40s की एज तक मैंने खूब काम करा, अब मैं वो काम करता हूँ जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। करेक्ट, मैंने कहा जब मैं बुक पढ़ता हूँ, बुक लिखता हूँ, इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलता हूँ, कैमरे के सामने बैठता हूँ, लाइट एक्शन कैमरा बोलते हैं मेरे आयुष भाई, तो मेरे को लगता है ना अंदर से खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, नहीं हाँ। मैं कहा बस खुशी के लिए आता हूँ यहाँ पर, बस यही चाहिए,
यही चीज़, यही चीज़, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जब आप इस अपने आप को खुश रखोगे तो आप देखना कि जो आपके आसपास होंगे वो भी खुश रहेंगे। Agreed. ये वैसे ही वाइब्रेशन आप देते हो। और जब, और इसीलिए मैंने बोला कि जब लाइफ को सेलिब्रेशन ले लेंगे, हर कोई अगर लेना शुरू कर देगा, तो ना तो इतनी सारी जो बॉम्ब्स बन रहे हैं ये सब बनने बंद हो जाएंगे, ये जो लड़ाई झगड़ी और ये जो डिफरेंशिएशन है वो बनने बंद हो जाएंगे। लव इज समथिंग दैट नीड टू बी सेलिब्रेटेड। करेक्ट। सर, एक सेलिब्रेशन का छोटा सा रिचुअल हम भी करते हैं यहाँ पे। ठीक है। हम एक छोटा सा बुक डांस करते हैं। अच्छा। जहाँ पे हर ऑथर जो है छोटा सा 2-10 सेकंड का हम बुक डांस करते हैं, ताकि हम रीडर्स को बोल सकें कि भाई देखो, हम ऑथर्स अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी बुक्स के साथ, और आप भी हमारी बुक्स को लेके सेलिब्रेट करिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन मी फॉर अ 10-second डांस। श्योर। तो दोस्तों, कन्वर्सेशन अच्छा लगा हो तो जाके डिकोडिंग द मिस्ट्री बिहाइंड 3, 6 और 9 जरूर बाय करना। अमेजोन पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हितेश जी, हम छोटा सा एक रिचुअल करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल, जो लाइफ का सेलिब्रेशन है, क्योंकि हम ऑथर्स बुक्स बहुत लिखते हैं पर हम चाहते हैं कि यार रीडर्स बुक्स को पढ़े भी। Correct. तो हम क्या करते हैं, हम बुक पकड़ते हैं हाथ में, आप लीजिए, और हम छोटा सा डांस करते हैं। आपसे भी कहूँगा छोटा डांस करिए और रीडर्स को बोलिए कि आपकी बुक पढ़े और क्यों पढ़े। बिल्कुल पढ़े, मेरी किताब जरूर पढ़े। आपको किताब पढ़ने से, किताब को एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप खुद में सेलिब्रेशन आ जाएगी लाइफ में आपकी। सेलिब्रेट करिए, सेलिब्रेट करना है बस, सेलिब्रेट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी। नहीं, थैंक यू तेजी, थैंक्स फॉर टाइम कमिंग, गिविंग सच एन इनसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। मतलब मैं अब जाके इस बुक को ज़्यादा ध्यान से, शांति से पढ़ूंगा और ज़्यादा, ताकि मैं लाइफ को सेलिब्रेट कर सकूं। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए वो करना चाहिए। बिल्कुल, वो इसी के लिए लाइफ मिली ही है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू सो मच।